चुड़ैल का बस स्कूल। दिन के समय तो वैसे भूत और प्रेत बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन एक गांव में कई सारी बस के अंदर एक बहुत भयानक चुड़ैल एक एक बस में घूम रही होती है। कभी बच्चों को पढ़ाती है तो कभी उन्हें पनिशमेंट देती है। बोलू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें सारा काम करके आना है, लेकिन तुम हो मेरी सुनते नहीं हो। अभी के अभी यहाँ मुर्गा बन जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं कल से काम करके लेकर आया करूँगा। आज मुझे छोड़ दो। आज अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो कल फिर से तू यही करेगा। मुझे पता है तू नहीं मानेगा, इसलिए तुझे पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। चुड़ैल उसे पनिशमेंट देती है और उसे मुर्गा बना देती है, जिसके बाद चुड़ैल दूसरी बस में जाती है और वहाँ पर एक बोर्ड पर वो कुछ लिखती है और बच्चों को पढ़ने के लिए कहती है। बच्चों, ये बहुत अच्छी पोयम है। ये पोयम तुम सबको याद होनी चाहिए। कल मैं तुमसे सुनूंगी, इतने में तुम इसे याद करो और कॉपी में नोट भी कर लेना। ऐसा कहने के बाद वो दूसरी बस में जाती है और उन बच्चों को भी पढ़ाती है। एक के बाद एक वो हर एक बस में जाती है और सभी को पढ़ाती है। मैंने टेस्ट पेपर तैयार कर दिया है, कल सभी तैयारी के साथ आना। कल तुम्हारा टेस्ट होगा और मैं चाहती हूँ कि सबके 10/10 नंबर आने चाहिए। जी मैडम, जैसा आप कहें। चुड़ैल बस स्कूल में सभी को पढ़ा रही थी कि तभी कुछ ऑफिसर्स बाहर से चुड़ैल को पढ़ाते हुए देखते हैं। देखा मैंने, आपको कहा था ना, यहाँ पर कोई टीचर नहीं बल्कि एक चुड़ैल पढ़ाती है। नहीं, तुमने गलत कहा था, वहाँ पर तो शीतल सभी बच्चों को पढ़ा रही है। शायद तुम्हारे दिमाग में ही कूड़ा घुसा है। एक चुड़ैल एक आदमी को तो चुड़ैल के रूप में दिखती है, लेकिन दूसरे को वो इंसानी रूप में दिखाई पड़ती है। आखिर वो चुड़ैल बस में स्कूल कैसे चला रही थी, और वो बच्चे जो उससे पढ़ रहे थे उन्हें उस चुड़ैल से जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा था? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मुखिया जी, हमें अपील डालने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना ही होगा। सही कहा तुमने, ऐसे बात नहीं बनेगी। शीतल और गांव का मुखिया दोनों मुख्यमंत्री के पास अपील डालने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारे स्कूल के निर्माण के लिए हम लोगों ने कई महीनों से अपील डाली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे स्कूल की छत टूट रही है और स्कूल की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर स्कूल टूट गया तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। स्कूल की मरम्मत के लिए हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप कुछ अपना योगदान दीजिए और स्कूल की मरम्मत करवा दीजिए, ताकि अनाथ बच्चे वहाँ पढ़ सके। आप दोनों की मेहनत मुझे बहुत पसंद आई, और एक टीचर के नाते अगर आप बच्चों को पढ़ाने में इतनी अपेक्षित हैं, तो मैं स्कूल का निर्माण जल्द से जल्द करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री ऐसा कहकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, जिसके बाद शीतल और मुखिया जी दोनों वहां से वापस अपने गांव आ जाते हैं। अगले दिन शीतल अपने टूटे फूटे स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाते हुए खुशी से खुशखबरी देती है। तुम सभी खुश हो जाओ, कुछ ही दिनों में हमारा ये स्कूल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री इसे तुड़वाकर बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। खुशी से सभी बच्चे चिल्ला पड़ते हैं। अरे बस करो बस करो, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, वैसे ही स्कूल डैमेज है, अगर स्कूल की दीवारें गिर पड़ी तो पता नहीं क्या होगा। शीतल उस दिन बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी बच्चों को पढ़ाती है। अगले दिन कुछ ऑफिसर स्कूल का मुआयना करने आते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाकर ले जाते हैं, लेकिन फिर कई दिनों के लिए कोई नहीं आता। मुखिया जी, हमने इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद देखा अभी तक कोई भी नहीं आया स्कूल बनाने के लिए। शीतल, ये कहते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बीच में कई सारे करप्ट ऑफिसर्स ने स्कूल के नाम पर भिजवाए हुए पैसों को खा लिया है, अब शायद ये स्कूल कभी नहीं बन पाए। ये सुनकर शीतल को बहुत दुख होता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अगले ही दिन उसे अपने स्कूल के बच्चों को उनके टेस्ट पेपर के मार्क्स देने थे, जिसके चलते वो परेशान होकर स्कूल में पहुंच जाती है, जहां वो बैठकर सभी बच्चों के पेपर चेक कर रही होती है। ये बच्चे कितने समझदार हैं और कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई करने में, लेकिन क्या फायदा इन्हें जब अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी। पूरा स्कूल डैमेज हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शीतल के इतना कहते ही उसके ऊपर स्कूल की छत गिर जाती है और वो उसी के नीचे दबकर उसी समय मर जाती है, लेकिन मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। ये क्या, मैं मर गई हूँ और एक चुड़ैल बन गई हूँ, अब उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ये सब करप्ट ऑफिसर्स की वजह से ही हुआ है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला होकर सभी करप्ट ऑफिसर्स के घर जाती है और उन्हें एक एक करके उसी रात मार देती है। अगले दिन
जब वो सभी बच्चे अपने स्कूल को टूटा फूटा देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। हमारी टीचर कहाँ गई? अब हमें कौन पढ़ाएगा? अब तो हमारे पास स्कूल भी नहीं बचा। कितनी अच्छी थी शीतल मैडम, हमें कितने अच्छे से पढ़ाती थी, कहाँ चली गई हमारी टीचर? कल तुम्हारी टीचर स्कूल के अंदर ही तुम्हारे पेपर चेक कर रही थी। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं छत के गिरने की वजह से वो मर तो नहीं गई। सभी बच्चे ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सभी बच्चे 2-3 दिन तक रोजाना सुबह स्कूल के पास आकर अपनी टीचर को याद करने लगते हैं। उन्हें इस तरह परेशान होकर देख चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। बच्चों, तुम मुझे याद कर रहे हो? चुड़ैल को देखते ही सभी बच्चे डर जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। हमें छोड़ दे चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमारे पास क्या करने आई है? हम तो मासूम बच्चे हैं। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। उस दिन तुम्हारा टेस्ट पेपर चेक करते करते मेरे ऊपर स्कूल की छत गिर गई और मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये सुनते ही सभी बच्चे चुड़ैल के पास आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। अब हमें कौन पढ़ाएगा? ऊपर से स्कूल भी टूट गया है। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगी। स्कूल समय पर यहाँ पर आना है तुम्हें। अगले दिन चुड़ैल अपने इंसानी रूप में मुखिया के पास आती है और कहती है, मुखिया जी देखा, लापरवाही की वजह से छत भी गिर गई। मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में उस रात बाहर जाना पड़ा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब मैं फिर से बच्चों को पढ़ाऊंगी। जीती जागती शीतल को देखकर मुखिया हैरान रह जाता है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, बच्चे बहुत दिनों से उदास हैं, लेकिन अब तुम उन्हें पढ़ाओगी कहाँ? पढ़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। मुखिया की बात सुनने के बाद चुड़ैल को स्कूल के बाहर बहुत सारी पुरानी बसें दिखाई पड़ती हैं। वो स्कूल के लोगों की मदद से उन बस को जोड़कर उनके अंदर स्कूल बेंच रखवा देती हैं और हर बस में एक ब्लैक बोर्ड भी लगवाती है, जिसके बाद वो उन बसों को ही स्कूल बनाकर उसमें बच्चों को पढ़ाने लगती है। चुड़ैल बाकी दुनिया के सामने तो इंसानी रूप में रहती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते समय वो अपने असली चुड़ैल रूप में होती है। बच्चे उससे डरते भी नहीं है और उसकी सभी बातों को मानकर पढ़ाई भी करते हैं। इस प्रकार उस बस स्कूल के सभी बच्चे टॉप करते हैं, जिसकी खबर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। इसे कहते हैं समाज सेवा। उस औरत ने बिना किसी स्वार्थ के इन अनाथ बच्चों को इतना पढ़ाया कि आज हाई स्कूल के बच्चों को बस में पढ़ रहे बच्चों ने फेल कर दिया। मुख्यमंत्री शीतल को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, जो कि एक चुड़ैल थी। वो सबके सामने इंसान के रूप में आती है। मुख्यमंत्री उसका सम्मान करते हैं और स्कूल बनाने के निर्माण को दोबारा से शुरू करवा देते हैं, जिसके चलते बहुत जल्द स्कूल बन जाता है। और आज भी उस स्कूल में चुड़ैल टीचर सभी बच्चों को चुड़ैल के रूप में पढ़ाती है, लेकिन जब कोई और उसे देखता है तो वो सबको इंसानी रूप में नजर आती है।